हेलो एवरीवन, आई एम रोमी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट रोमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ और वो रेसिपी है जलेबी की। हाँ, आज मैं आपको अपने वीडियो में एकदम कुरकुरी जलेबी बनाना बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बेल बटन अगर आप दबाएँगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आप किचन में। जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर लिया है। एक कप मैंने दही लिया है, ये दही थोड़ा खट्टा है, ये 2 दिन का दही है। यहाँ पे मैंने 3 बिग टेबलस्पून सेमोलिना यानी सूजी का लिया है, क्योंकि मुझे जलेबी कुरकुरी बनानी है। बेकिंग पाउडर, और मैंने यहाँ पे एक नमक की थैली ली है जलेबी बनाने के लिए। शुगर लिया है मैंने 1.5 कप, 4 कार्डमम यानी इलायची, छोटी इलायची है ये, और कुछ केसर के दाने। आप चाहे तो यहाँ पे फूड कलर भी ऐड कर सकती हैं, मैंने फूड कलर नहीं ऐड किया है। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे, 3 टेबलस्पून सेमोलिना ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे स्पून से और इसमें 1 कप वाटर ऐड करेंगे, बिकॉज सेमोलिना वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो हमें यहाँ पे 1 कप वाटर ऐड करना है। और इसका एकदम थिक बैटर बनाना है। बैटर कुछ इस तरीके का होगा, बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का बैटर नहीं होगा। चाशनी के लिए अब एक पैन लेंगे, पैन में 1.5 कप शुगर ऐड करेंगे और 1.5 कप ही वाटर ऐड करेंगे। हमें चाशनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, तो चाशनी में अगर एक तार आ जाएगी तो हमारी चाशनी रेडी है। अब शुगर को मिलाएंगे और चाशनी बनाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स मेरी चाशनी रेडी है। मैंने यहाँ पे इसमें इलायची ऐड कर दिया है और कुछ केसर के दाने। उंगली में सटा के देखेंगे, चाशनी अगर थोड़ी चिपचिपी हो गई है तो हमारी चाशनी रेडी है। अब जो हमने बैटर रखा था, बैटर में हम लोग बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और इसे नमक की थैली में फिल करेंगे। मैंने कॉफ़ी मग के अंदर नमक की थैली डाली है ताकि मैं ईज़िली इसे फिल कर पाऊँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे नमक के पैकेट के एंड पे और लो फ्लेम में जलेबियाँ बनाएंगे। जलेबियों को चाशनी में डालेंगे 2 मिनट के लिए और हमारी जलेबियाँ रेडी है। तो प्लीज़ टेस्ट कीजिए, रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।